हेलो एवरीवन, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया को इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक तक अपना पॉलिसी चेंज करने का बहुत ज्यादा जरूरत है और यह अब होते भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। भारत के ऐसे स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होने के पीछे चीन की खुद की ही गलती है। आपको वीडियो में बताऊंगा इंडियन ओशन में भारत कई सारे इंपॉर्टेंट कदम उठा रहा है जिससे इंडियन ओशन रीजन में भारत का पकड़ और भी मजबूत होगा और साथ में चीन को सिग्नल भी जाएगा यहाँ के सिकंदर हम हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जब से गलवान वैली में भारतीय और चीनी फोर्स में झड़प हुआ है तब से इंडियन नेवी को पूरे ताकत से इंडियन ओशन में ऑपरेट करने में लगा दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम में छपे रिपोर्ट के हिसाब से LAC पे झड़प के बाद जॉइंट मीटिंग हुआ था जिसमें यह फैसला लिया गया था चाइना के हर एक मूवमेंट पर नजर रखा जाए और नेवी को ऑर्डर दिया गया था अगर चाइना कोई और गुस्ताखी करे तो मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दे। मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो चाइना को सप्लाई होता है मिडल ईस्ट कंट्री से वह इसी से होके गुजरता है। भारत ने अपने वॉरशिप और एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिया है यहाँ पे। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीन को हम इतनी आसानी से मात दे सकते हैं इंडियन ओशन में तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए कई सारे पोर्ट बना चुका है इंडियन ओशन में ताकि वो अपने एनर्जी सप्लाई को बाधित ना होने दे सके। चीन का हैवी मिलिट्री प्रेजेंस है गल्फ ऑफ एडन में, वहां उसने जिबूती में अपने मिलिट्री बेस भी बना के रखा है जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट गल्फ ऑफ एडन से होके ही इंडियन ओशन में जाता है और इसी रूट से भी इंडिया का सारा एनर्जी सप्लाई होता है। देखो, फिर भी इंडियन नेवी का प्रेजेंस इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा है चाइना को काउंटर करने के लिए और भारत लगातार अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है जो चीन को मसलने के लिए तैयार रहेगा। भारत भी लगातार अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स या फिर ओमान में खुद का मिलिट्री बेस बनाने को लेके। देखो, चीन ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो अपना आधे नेवी को इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दे क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस नेवी बड़ी मात्रा में ऑपरेट कर रहे हैं। चीन का जो एक्सपेंशन करने का सोच है वह सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के जमीन को लेके ही नहीं है, चीन चाहता है अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा जमाए। इसी वजह से चीन छोटे छोटे अफ्रीकन देशों को इतने कर्ज दे रहा है ताकि वो कभी चुका ही ना पाए और बाद में चीन वहां के जमीन पे कब्जा जमा ले। इस सपने को पूरा करने के लिए इंडियन ओशन रीजन चीन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भारत भी चीन से पीछे नहीं है। इस साल भारत मालाबार एक्सरसाइज जो भारत, जापान, अमेरिका के बीच होता था बंगाल की खाड़ी में, इस एक्सरसाइज में इस बार ऑस्ट्रेलिया के शामिल करने पे भी विचार चल रहा है और भारत इसी साल सिमिलर एक्सरसाइज इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करने वाला है ताकि चीन को किसी भी हाल में मनमानी ना करने दिया जाए। देखो, अगर भारत पहले से इतना एग्रेसिव रहता तो शायद चीन का इतना हिमाकत नहीं होता कि वो हमारे सेना पे रात के अंधेरे में हमला कर दे। विश्वास है कि भारत सरकार अब चीन को उसी की भाषा में लगातार जवाब देती रहेगा आने